करना क्या है, तीन पॉइंट है, इन तीन कामों को मैं बता रहा हूं, क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताना मुझे। पहले बात तो आपको U+4 की टीम बनाना है, आपको और आपके इन चारों लीडर को 10 तारीख तक ₹2,500 का ऑर्डर करना बहुत जरूरी है। 10 तारीख तक, यदि आप 9 महीने में ₹2,50,000 महीने कमाना चाहे तो 10 तारीख को आपका ₹2,500 का ऑर्डर होने जाना चाहिए, ठीक है ना। और 25 तारीख तक आपकी इन चारों लोगों के एक एक ज्वाइनिंग, मतलब जितने लोग हैं सबको एक एक स्पॉन्सरिंग करना है, एक स्पॉन्सरिंग का लक्ष्य लो और ₹2,500 का एक आप ऑर्डर करना है, दैट्स फिनिश, ठीक है ना। दूसरा काम, एक लेग पे, जैसे आपने ए लेग को काम किया, दो दिन पूरे दो, जैसे आप अभी भी है तो आपको पूरे दो दिन उससे बोल दो कि ये दो दिन तेरे हैं, तो जितनी मीटिंग करवाना हो, जो करवाना हो, जिससे बात करवाना हो, सब करवा, दो दिन है तेरे, दो दिन आपको एक लेग पे काम करना है डट के। जैसे पहले जाते थे ना भोपाल गए तो दो दिन भोपाल में मैं काम करता था, ऐसे ही समझ लो कि आप भोपाल टीम में पहुंच गए अपन, अब दो दिन इन्हीं को सब कुछ करना है, उन्हीं की पूरी माया, पूरे इनको फोन ये करना, इनसे बात करना, उनसे, जैसे मैं भोपाल जाता था तो पता लगा भैया चौबे जी हमें उनके यहाँ ले गए, गोडवाले जी के यहाँ ले गए, चौबे जी हमें विजय के यहाँ ले गए, डॉक्टर गौतम महिपाल के यहाँ ले गए या अजीत के यहाँ ले गए, कहीं भी जाते थे हम, मैंने दो दिन वही नाइट हॉल्ट करते। तो दो दिन आपको एक लेग पे काम करना है, ये बना लो, आप उसको बोल दो कि दो दिन बांट दो आप पहले से कि ये तुम्हारे आज से एक तारीख, दो और तीन एक को दी, फिर जो एक दिन बीच में गैप रखना है, ठीक है ना। जिस दो दिन आप इस ए लेग पे काम कर रहे हो उन दो दिनों में इनको फोन पर टच में रहना कि देखो हम तुम्हारे यहाँ उतनी तारीख को तुम्हें टाइम दिया, तुम तैयार कर बैठे हो, इनके लिए एक आध इनकी मीटिंग करो, इनकी टीम मीटिंग कर दो, इनके लिए एक हेल्थ प्लान कर दो, इनके लिए एक एप्सा प्लान कर दो, जो भी तुम कर सकते हो वो सकते हो। तो आपको दो दिन काम करना है एक ग्रुप पे के ऊपर, और जब जब तक तुम उस ग्रुप पे काम करो दूसरे लोगों से फोन पे कॉन्टेक्ट हो। तीसरा है U+4, आपको तुम लोग चले जाओ यार, U+4 आपको हर एमबे की मीटिंग और हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, ये तीन काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी यदि आप कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस में आराम से 9 महीने में ₹2,50,000 कमा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोग कर सकते हैं तीन काम, बहुत कठिन तो नहीं बता दिए मैंने, है ना चौबे जी? हाँ भैया बिल्कुल सही, कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल। हाँ तो ये तीन काम करना है ना। अब मैं बताता हूं आपको पैसा कैसे आएगा यदि आप ये तीन काम करते हो। तो मैं यहाँ पे 9 मंथ प्लान लिख रहा हूं, ये 4 महीने। अब आप ये मान के चलो कि आपको 4 महीने कुछ भी नहीं आएगा, आपने ये काम चालू किए, 4 महीने की ट्रेनिंग है, यानी पहले महीने में आप और आपका एक साथी था, है ना, उसने 4 महीने में 4 लाख डालने में आपको कुछ भी पैसा नहीं आया, आएगा लेकिन मैं मानो बिल्कुल नहीं आया। इन 4 महीने आपने काम किया, 4 महीने की मेहनत इस प्लान में, आपने 2 दिन 1 लाख को दिए थे महीने में, पहले 2 दिन दिए, फिर 2 दिन दिए, मैंने कितने दिनों का, 4 दिन, 4 दिन आपने 1 लाख पे काम किया, तो 4 लाख पे काम किया तो कितने दिन हो गए, 16 दिन हो गए, माने कितने दिन काम हुआ पूरा 4 महीने में, 48 दिन काम करना है, 4 महीने में 48 दिन की मेहनत है। 48 दिन यदि आप काम करते हो, 48 दिन की मेहनत करते हो, तो आपको 5वें महीने से कितना पैसा आएगा मैं वो आपको बता रहा हूं, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करूंगा मैं इसके लिए। आपने 5वें महीने में, मैंने जो 9 मंथ प्लान था जो ₹2,500 वाला उस पर मैंने बनाया है, 5वें महीने में आप यदि 9 मंथ प्लान पे काम कर रहे थे और आपके चारों लोग 9 मंथ प्लान पे थे, तो एक आदमी ₹80,000 का टर्नओवर करता है 5वें महीने में, 4 लाख हैं, 4 लाख 80,000 का टर्नओवर करेंगे तो कितना होगा, 3,20,000 का टर्नओवर होगा, और आप पहले महीने 12% पे जाओगे और आपको 20,000 से ₹25,000 की इनकम आएगी, है नहीं, और साथ में BFI आपको बोनस मिलेगा। मैं आधा घंटा लगेगा, छठवें महीने में अब आपका प्रत्येक लेग 6वें महीने पहुंच गया, 9 मंथ प्लान को जरा गौर से देखना, आप 5,000 वाला नहीं 2,500 वाले 9 मंथ प्लान को गौर से देखना, तो 6वें महीने में आप 1,60,000 का टर्नओवर करते थे, 1,60,000 का टर्नओवर करती, 4 लाख है, 6,40,000 का टर्नओवर होता है, आप 15% के लेवल पे जाते हो और आप ब्रॉन्ज पिन पे जाते हो, और यहाँ पे आपको मिनिमम 40,000 से 50,000 की इनकम आती है, आपको BFI और BBI दोनों कंपोनेंट्स मिलते हैं, और एक आपको करीब है 15% वो, 35% आपको 40,000 से 50,000 का 35% और मिलता है। 7वें महीने में आप 3,20,000 का 1 लाख से टर्नओवर होता है, 4 लाख पे जाओ तो आपको 12,80,000 का टर्नओवर होता है,
और आप 21% के लेवल पे जाते हो सातवें महीने में, आप सिल्वर पेन, एमबे की दूसरी पेन है सिल्वर पेन, और यहाँ पर आपको मिनिमम 70,000 से 1,00,000 की इनकम आती है। और इसके अलावा आपको बीएफआई, बीबीआई और पीजीजीआई चार कंपोनेंट मिलते हैं, तीन कंपोनेंट मैंने करीब करीब आपको 35% प्लस 10 से लेके 40% माने 45, यदि एक बार सिल्वर गए हो तो आपको 10% जुड़ेगा, और ऐसे तीन बार गए हो तो आपको 20% मिलेगा, और तीन बार से ज्यादा बार गए हो तो आपको 40% मिलेगा। तो आपको ये मिलते हैं सातवें महीने में। यदि आप चार लेगों पे ही काम कर रहे हो सातवें महीने में, तो 1,00,000 से 6,40,000 का बिजनेस आता है। और आप देखो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ, इसका आधा भी हुआ तो भी आप एमरल जा सकते हो, कितना बड़ा काम हो सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको। यदि आप चार लेगों पे काम कर रहे हो तो गुणित चार करो तो 25,60,000 का बिजनेस होता है। आप 21% पे जाते हो प्लस 3% का आपको रूबी बोनस मिलता है, और यहाँ पे करीब करीब आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का कमीशन आता है इसमें। यानी बाकी के ये जो बोनस है बीएफआई, बीबीआई, पीजीजीआई, ये सब मिलेंगे। नवे महीने में आपका टर्नओवर 12,80,000 का होता है, 1,00,000 का, 4,00,000 थी आपके 4,00,000 पे काम कर रहे थे, 52,20,000 का बिजनेस होता है। और आप यहाँ से एमरल क्वालिफिकेशन में आते हो और मिनिमम 2.5 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम आती है, और इसके करेक्ट 5 महीने बाद आप इस बिजनेस में न्यू ब्रांड एमरल जाते हो। मैं बता दूं आपके लिए कि इस वक्त पे स्ट्रक्चर पे काम करना बहुत जरूरी है। यदि आप स्ट्रक्चर पे काम ही कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा गड़बड़ कर बैठोगे और बहुत लंबी चोट खा जाओगे। तो हमारा निवेदन यही है, जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं आपके लिए, जो मैंने आपको सब कुछ बताया है, यानी उन चीजों पर यदि काम करोगे आप तो